नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बावाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल ग्रीन मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, ही इज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट IIT मद्रास। मुद्दा थोड़ा हटकर आज हम जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। पीछे कुछ समय से मैं बड़ी परेशान चल रही थी। मैंने कहा सर यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं और किस तरीके से एक विशेष समुदाय ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा हुआ है। एंड देयर हैव बीन इंसिडेंसेस विच जिसने मेरा मतलब दिल बोलते ना झकझोड़ कर रख दिया लिटरली। एंड मैंने सर से एक ही सवाल पूछा कि अब अगला अवतार कब होगा भगवान जी का, कि धरती पे जो ना त्राहिमाम मचा हुआ है अब इसको खत्म कर दे। मतलब थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए। सो दैट इज हाउ द टॉपिक ऑफ टुडे एंड द डिस्कशन ऑफ टुडे स्टार्टेड। एंड सर मैं बहुत सीधा सवाल पूछूंगी, अगला अवतार भगवान जी का कब होगा? अभी टाइम है। देखो जो हम अवतार बोलते हैं, दशावतार, तो वो भगवान अपने पूरे कलाओं के, तकरीबन पूरे कलाओं के साथ आते हैं, लेकिन उसके बीच में अंश अवतार भी होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं रखता, ठीक है ना। जैसे तो अभी इसमें तो केवल विष्णु जी की बताते हैं जो दशावतार है, शिव जी की भी अवतार होते हैं। जैसे हनुमान जी को शिव जी का अंश अवतार माना जाता है, ओके, और वो मृत्युंजय हैं। जब ये अपना चतुर्युग का पूरा साइकिल सब कुछ खत्म होगा, उसके बाद वो जाएंगे, तो काफी समय है उनका। तो ऐसा नहीं है कि और कोई आएगा नहीं कुछ समाधान करने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन जब त्राही त्राही सब तरफ से मचती है फिर आते हैं। जब देवों में भी त्राही हो जाती है फिर आते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी वो स्लाइड्स देख लेते हैं। तो ये एक आर्टिस्ट का इंप्रेशन है बेस्ड ऑन श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से सफेद घोड़ा है, तलवार है। तो आगे चल के मैं घोड़े का नाम भी बताऊंगा, ठीक है। इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि लोग हमारे वेदों को और शास्त्रों को मानते नहीं हैं। मैं साइंटिफिकली उसको समझाऊंगा। साइंस में क्लियर कहा गया है कि किसी चीज को सही प्रूव करना, जिसको वेरासिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, तीन मिलाप होने चाहिए। अगर तीन जगह वो समान आगे, मतलब आप सही चल रहे हैं, उसके बाद जो अपना चतुर्युग का साइकिल है, महायुग है, वो क्या है, दशावतार क्यों आते हैं, एक टैबुलर फॉर्म में आपको समझाऊंगा हैं कौन, क्योंकि एक जिसको डाला हुआ है मैं उनको मानता नहीं हूं और मैं समझाऊंगा क्यों, और फिर कल की अवतार का भी समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम कहते हैं मनु आके सबको वेद का ज्ञान सिखाता है, सनातन धर्म का ज्ञान देता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर एक पूरा एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट टाइप हो जाए, जितने लैंडमास है अभी सब तितर बितर हैं, वो सब जुड़े हुए एक लैंडमास रहेंगे तो अपना संदेश पहुंचाने में आसान होता है। और जब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हाँ जी, सुपर कॉन्टिनेंट बनता है और फिर टूट के अलग होता है और फिर सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, जिसको पैंजिया कहते हैं साइंस में। नहीं, वो तो अभी वाले को पैंजिया कहते हैं, वो मैं लिस्ट में नाम भी बताऊंगा आपको, और उसके साथ जो अपने मनवंत्र के नाम है वो भी बताऊंगा। अब दूसरा लेते हैं जहां से शुरू किया, कि हर 300 से 350 मिलियन रफली ईयर्स में
एक सुपर कॉन्टिनेंट आता है। और जब चतुर्युग का साइकिल भी दिखाऊंगा, अराउंड दैट टाइम एक मनु आता है। तो ये सेकेंड कोइंसिडेंस हो गई। थर्ड, प्लेट टेक्टोनिक्स और उस सब का साइंस कहता है कि इस धरती की लाइफ 4.3 बिलियन ईयर्स, हमारे चतुर्युग की साइकिल और जो एक कल्प है ब्रह्मा जी का, जिसको 1000 चतुर्युग साइकिल का एक कल्प होता, एक दिन उतना ही एक रात होता, वो 4.32 बिलियन ईयर्स का होता लाइफ। उसके बाद खत्म हो जाता है और फिर फॉर्म होता है, मतलब तीसरा जुड़ गया। चौथा, अभी तक सब मानते हैं जो शुरू में लिखा हुआ है, उसका मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है कि 7 सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं, और हम हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक, हमारे शास्त्रों के मुताबिक 7वें मनवंत्र में है, वैवस्वत मनु के मनवंत्र में है 7वां। 4 मैंने आपको जोड़ दिखा दिए, तो ये प्रूव करता है कि हमारे जो वेद और शास्त्र है ऐसे ही नहीं है। इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनुओं को सीयर्स बोलते हैं, सी मतलब देखना, सीयर्स जो देखते थे, अपनी तीसरी आंख, अंदरूनी आंख से देख के उन्होंने सब कुछ बताया। ठीक है, कौन से हैं ये? वालबारा वॉज दी फर्स्ट वन, स्वयंभू मनु वॉज आर फर्स्ट वन, ऊर्व इज दी सेकेंड सुपर कॉन्टिनेंट, स्वरोचिश इज आर मनु, केनोरलान उत्तम, कोलंबिया या नूना, तापस या तामस, रोदिना रैवत। बाय द वे, इन रशियन रोदिना मींस लैंड, मदरलैंड, माया रोदिना, माय मदरलैंड, माय कंट्री। ओके, पनोतिया चक्षुष, इसका अपने पनोती शब्द से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वाज पैंगिया और वैवस्वत मनु। दिस इज व्हाट पैंजिया इज टॉट इवन इन द स्कूल्स, कि यू नो पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स जॉइन थे एक वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसका नाम पैंजिया था। यस, दैट इज पैंजिया। उससे फिर दो टूटे थे, लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, हम गोंडवाना लैंड से टूट के निकले, लॉरेशिया वाला टूट के अलग होके आपके अमेरिकाज, अमेरिकाज वहां से निकल के आए, गोंडवाना इज नाउ योर यूरेशिया अफ्रीका एंड अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट इज ऑल्सो देयर। अभी लेते इसको थोड़ा समझो, डिवाइन ईयर्स आसान है, आपके जो चतुर्युग का टोटल टाइम है 12,000 डिवाइन ईयर्स या गॉड ईयर्स, क्योंकि वो देवलोक से ये बन रहा है। ठीक है, और ह्यूमन ईयर या सोलर ईयर और गॉड ईयर में क्या मिलाप है? 360 ह्यूमन ईयर इज वन गॉड ईयर। 360 क्यों? हमारे जो वैदिक टाइमलाइन है उसमें 12 मास है, हर महीने के 30 दिन है, और 360 दिन का एक साल है, क्योंकि हम सोलर नहीं लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसमें तिथि इंपॉर्टेंट होता है, डेट नहीं, हम तिथि से चलते। तो इसीलिए हमारे कैलेंडर में, आप पंचांग में आपको कभी लीप ईयर वगैरह नहीं मिलेगा, ये कभी बता नहीं पाए हैं कि इनके जूलियन कैलेंडर में फरवरी में 28 दिन क्यों हैं, ऐसा क्यों है कि कुछ आपके माह है जिसमें 31 दिन है, और कैलेंडर ही गलत है। इन द सेंस रशियन रोमन में डेका मतलब 10 होता है, और आपका 12वां महीने का नाम दिसंबर है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, अक्टूबर आपका 10वां महीना है, मतलब कोरिलेशन ही नहीं है। वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से शिफ्ट कर दिया था तो उससे हुआ था। अभी हर एक युग के, जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में
4000 साल होते हैं, जो गॉडियर्स की बात कर रहा हूं, त्रेता में 3000, द्वापर में 2000 और कलयुग में 1000, कम होता जाता है इनके। अब एक युग से दूसरे युग में आप डायरेक्ट नहीं जाते हो, क्योंकि युगों में जैसे सतयुग है तो सारे अच्छे होते हैं, देन त्रेता में 75% अच्छे होते हैं, द्वापर में 50-50 हो जाता है और कलयुग में 75% खराब होते हैं, राक्षस गुण। ओके, तो आप डायरेक्टली एक युग से दूसरे युग में नहीं जा सकते हो, तो इसलिए एक संध्या पीरियड होता है, वेयर द युग डिकेज डाउन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट एंड देन इट स्टार्ट्स। इस संध्या 800, 400, 800, 600, 400 एंड 200, तो इन सबको जब टोटल करते हो तो 2000 ईयर्स आता है। 4321 इज 10,000, 800, 600, 1400 प्लस 400, 800, 1800 प्लस 200, 2000, 10,000 प्लस 2000, दैट इज वाई चतुर्युग 12,000 डिवाइन ईयर्स का है, विच इज 4.32 मिलियन ईयर्स एक चतुर्युग। और इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको कल्प बोलते हैं, 1000 इस तरह का साइकिल होता है। सो दैट इज 4.32 इंटू 1000 मिलियन ईयर्स, 1000 मिलियन इज 1 बिलियन, सो 4.32 बिलियन ईयर्स इज द चतुर्युग, वन डे ऑफ ब्रह्मा। एंड अर्थ का लाइफ भी जो इन्होंने चेक करके बताया कि इस अर्थ का लाइफ 4.32 बिलियन ईयर्स, विच इज मैचिंग। तो ये जो संध्या पीरियड है दो हिस्सों में बट जाता है, एक युग शुरू होने से पहले और एक युग खत्म होने के बाद। जैसे कृतयुग देखो या सतयुग, 400 साल पहले इस दी संध्या पीरियड, क्योंकि इसके पहले कलयुग रहा होगा, उसका संध्या आया 100-400 इसका, फिर सतयुग शुरू होता है, फिर 400 जो है सतयुग का संध्या या कृतयुग का संध्या चलता है, जो 600 है त्रेता युग का, वो 300-300 में बट गया, 300 त्रेता का और फिर स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये पूरे साइकिल दिए हुए हैं। तो अगर मैं केवल अपना कलयुग और उसका संध्या लेता हूं जो 100, तो 396,000 ईयर्स है इस साइकिल का, जिसमें से अभी 5000 कुछ साल है, एंड में कैलकुलेशन में दिखा दूंगा कि कितना बचा है अभी हमारे पास टाइम, राइट। तो एक मनु 71 महायुग, महायुग होता है जो चतुर्युग का साइकिल होता है, 71 महायुग के बाद एक मनु आता है। ठीक है, तो मनु इस तरह के 71 चतुर्युग देखता है, 71 इस तरह का चतुर्युग देखता है मनु। और ब्रह्मा जी अपने एक दिन में 14 मनु देखते हैं। तो बैलेंस जो बच जाता है 14 × 14 मनु 9994 महायुग होता है, बैलेंस 6 महायुग होता है जो ये संध्या पीरियड्स कवर होते हैं, जब आपका महाप्रलय होता है उसके बाद फिर संध्या पीरियड होता है। नॉर्मली कहते हैं कृतयुग का जितना टाइम होता है उतना होता है। ये एक दिन है ब्रह्मा जी का, एक और दिन ब्रह्मा एक दिन है और जितना एक दिन है कल्प, उतना एक दिन के पीरियड में कोई सृष्टि नहीं होती। उसके बाद आता है और ब्रह्मा जी इस तरह, इन दिनों का आप 360 लगाओगे 100 साल है ब्रह्मा जी के जीवन का। उसके आगे अगले इतने साइकिल चलेंगे, इतने 100 साल वाले साइकिल चलेंगे बिफोर द अर्थ कोलैप्सेस या फिर कुछ चेंजेस हो हमारे सोलर सिस्टम, फिर उतने ही साल 100 साल देल बी नथिंग और फिर शुरू होगा, इट द साइकिल इज इनफाइनाइट।
अभी एक काल चक्र का हमारे वैदिक टाइमलाइंस में साइकिल बोलते हैं, एक सेकंड है वो हर 60 सेकंड के बाद दोबारा रिपीट करता है, क्योंकि 60 सेकंड के बाद मिनट शुरू हो जाता है। आपका मिनट है वो 60 मिनट के बाद फिर शुरू होता है एक से, क्योंकि वो एक घंटा हो जाता है। एक घंटा आपका 24 घंटे की साइकिल होती है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है एक से। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक दिन हो जाता है, और हमारे इसमें दिन जो है, आप महीना का लोगे तो 30 दिन से बाद फिर एक पे शुरू हो जाता है, क्योंकि महीना है 12, महीना शुरू हो जाता है। महीना 12 जो है वो 12 के काउंट के बाद दोबारा से शुरू होता है आपका, क्योंकि वो साल हो जाता है। तो 12 × 30 360 दिन आपके साल के हुए। हमारा साल भी, हर एक साल का नाम होता है, और 60 साल के बाद वो दोबारा रिपीट होता है। पहले 20 जो साल के नाम है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है, नेक्स्ट 20 विष्णु जी को, और लास्ट 20 जो है वो शिव जी को। और हमारा चतुर्युग भी जो है हर कलयुग के बाद दोबारा रिपीट होता है। और हम इंसान को लेते हैं, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिला आप दोबारा जन्म लेते हो, पितृलोक जाते हो और फिर दोबारा जन्म लेते हो। तो ये है कालचक्र हमारा वैदिक टाइमलाइन का। जो कहते ना यही एक जिंदगी है, इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स नॉट अ फ्रीक चांस दैट यू आर बॉर्न, सॉरी, not by accident, any chance? No. There is all. अभी इस वक्त ब्रह्मा जी के इस 100 साल में हम मिडवे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में सारा लिखा हुआ। तो महाकल्प 100 गॉड ईयर्स और 100 × 2000 महायुग, क्योंकि 1000 महायुग तो एक दिन हुआ, और वही 1000 महायुग उनका रात है। अभी हम 50 हो चुके हैं और 51st ईयर में है हमारे फॉर्टनाइट के जैसे, इसको भी सेकेंड हाफ और परार्ध बोलते हैं। और इस सेकेंड हाफ का पहला महीना है, 51st ईयर का फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे। उस फर्स्ट डे में 14 में से 7वां मनमंत्र है, और इस 7वें मनमंत्र ने जो 71 महायुग देखने हैं उसमें से 28वां महायुग, 27 हो गए। और इस लंबी लिस्ट है सर, दिस इज क्वाइट, इस महायुग में ह्यूज, और इस 28वें महायुग में हम लास्ट युग में है कलयुग, इसके बाद फिर 29th शुरू हो जाए। जो हमारे शास्त्रों के मुताबिक इस जूलियन कैलेंडर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इट बिगैन व्हेन लॉर्ड कृष्णा लेफ्ट द अर्थ, दैट इज मिडनाइट 17th-18th फरवरी 3102 बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यस, सो वी हैव कंप्लीटेड 5126 सोलर ईयर्स इन द करंट कलयुग, जो हमारे इस साल के 17-18 फरवरी के रात को कंप्लीट हुआ है। यू आर नाउ इन द 5127th ईयर ऑफ कलयुग, 26 कंप्लीट है आपका। कलयुग का बर्थडे मिडनाइट 17-18 रात को होता है। अभी लेते दशावतार, जैसे मत्स्यावतार, कूर्म, वरहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध से मेरे को थोड़ा इशू है, क्योंकि जो भी अवतार आए हैं वो आपके सनातन धर्म को कायम करने आए, उसको रीएस्टैब्लिश करने लाए हैं, उसको ताकतवर करने लाए हैं, कोई नया रिलीजन स्टार्ट करने नहीं आए। बुद्ध ने तो नया रिलीजन शुरू कर दिया, तो वो किस हिसाब से आपके
अवतार हुए, यस, अगर वो अवतार हैं तो जो 14 जैनों के महावीर हुए हैं, ऋषभ से लेके तीर्थांकर हुए, ऋषभ से लेके महावीर तक, तो वो क्यों नहीं है? आपके गुरु नानक जी क्यों नहीं है? इन्होंने भी नया शुरू किया, तो आपको जीसस को भी लेना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद को भी लेना चाहिए ना। ये आया होगा क्योंकि हमें गलत पढ़ाया जाता है कि 5000 बीसी में भगवान बुद्ध जन्मे थे, ना जी, 1800 बीसी में जन्म हुए थे। तो काफी वर्षों तक भारत में हम महाभारत के बाद अपने बेसिक से हट गए थे, क्योंकि आप अंदाजा लगा लो तकरीबन जितने राजा महाराजा थे और उनके राजगुरु थे वो सब लड़े थे। 5000 साल पहले 1.8 करोड़ पीपल अगर लड़ रहे हैं तो वो मतलब पॉपुलेशन वाइज काफी होता है। 18 अक्षौणी, एक अक्षौणी में 1 करोड़ 1 मिलियन लोग होते हैं, इतना बड़ा होता था अक्षौणी। तो 18 अक्षौणी मतलब 18 मिलियन इज 1.8 करोड़ पीपल फॉट एंड डाइड। और जो बचे थे यादव वो तो आपस में लड़के पाटन क्षेत्र में मर गए, कोई नहीं बचा। सो देयर वाज अ बिग वॉइड। तो संस्कृत से, प्रकृत से, ब्रह्मी पाली करके हम देवनागरी, हम संस्कृत से दूर चले। अच्छा, कोई ऐसा ज्ञानी नहीं था जो सारे वेद जानता था। वेद व्यास जी वॉज द लास्ट, उन्होंने अपना 4 हिस्सों में बांटा था, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड वेद व्यास, अदरवाइज हिज एक्चुअल नेम इज कृष्ण। और भगवान कृष्ण से कंफ्यूज ना हो, तो ही वॉज बॉर्न ऑन एन आईलैंड इन द यमुना रिवर, सो द्वैपायना कृष्ण, कृष्ण में संस्कृत में द्वीप को द्वैप, तो द्वीप से द्वैपायना, आइलैंड को द्वीप बोलते हैं, द्वैपायना कृष्ण, दैट वॉज हिज नेम। सिंस ही कोडिफाइड ऑल द 4 वेदास सेपरेटली एंड ब्रॉट देम ऑल अंडर वन हेड, और उनके उपवेदा सबको दिया, उसीलिए उनका उपनाम पड़ा वेद व्यास। वो जैसे हम कहते हैं ना पेन नेम, दैट वॉज हिज पेन नेम वेद व्यास। ठीक है, तो हम फिर वो एक एक अपने डिसाइपल को एक वेद सिखाए थे, तो then it gets dispersed and so we lost our Vedas. मैं उनके जगह हयग्रीव जी को मानता हूं। जब क्रिएशन हो रहा था तो 2 राक्षस थे, मधु और कैथब। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी सो रहे थे उस वक्त, तो उनके मुंह से वेदों को चुरा लिया था। और विष्णु भगवान, ये हॉर्स हेड, हयग्रीव हैज गॉट अ हेड ऑफ अ हॉर्स, वो लेके उनको लड़के उनको मार के लेके आए हैं। और अगर हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो कैंटो 10 चैप्टर 40 और महाभारत में भी 12वें बुक में चैप्टर 348 में इनको विष्णु का अवतार माना गया। बुद्ध नहीं है ये मैं मानता हूं। तो मेरे हिसाब से ये जब क्रिएशन हो रहा था, दैट मीन्स somewhere after, maybe after, मैंने डाला है, वो लिस्ट किया है after वरहा अवतार, अपना कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, वरहा अवतार, कूर्मा अवतार, ये जस्ट बिफोर सतयुग है स्टार्टेड, तब का है। तो मैं इनको मानता हूं, बुद्ध को नहीं मानता हूं, सॉरी। तो 1800 बीसी से लेकर तकरीबन जब गुप्ता डायनेस्टी शुरू हुआ था, और काफी, आप देख लो मगध का काफी बड़ा दबदबा था, मगध राज्य का, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो एक्चुअली इज 1500 बीसी, वो 300 में नहीं है, 1500 बीसी, 300 में जो है बीसी में वो है गुप्ता डायनेस्टी, जिसको हमको 300 एडी बोलते हैं ना, 300 बीसी इज गुप्ता डायनेस्टी। एंड उनके जो बहुत फेमस राजा हैं, समुद्रगुप्त का दूसरा नाम चंद्रगुप्त है। ओके, अच्छा, हमें पढ़ाते हैं कि हमारे
अपने शंकराचार्य जी 800 एडी में पैदा हुए थे ना, ही वॉज बॉर्न 800 बीसी, वो भी एक अंश अवतार माने जाते हैं विष्णु के, बिकॉज सनातन धर्म टूट रहा था, सब बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जा रहे थे, तो वो आए थे फॉर रिवाइवल ऑफ सनातन धर्म और सारे मठ लगा के गए हैं, अद्वैत फिलॉसफी वो सिखाए थे। उनके बाद आए थे रामानुजाचार्य जो विशिष्ट अद्वैत सिखा के गए, और लास्ट में आए थे माधवाचार्य जो भक्ति द्वैत फिलॉसफी सिखा के गए थे। तो ये तीनों अंश अवतार हैं आपके सनातन धर्म को दोबारा स्ट्रेंथन करने के लिए। अद्वैत इज अहम ब्रह्मास्मि, वो समझना मुश्किल होता है। विशिष्ट अद्वैत इज गॉड इज इन मी, एंड द्वैत इज गॉड बाहर है, मैंने उनसे प्रे कर भक्ति। ये हमारे, तो ये जो बोलते हैं ना मोनोथीज्म इज लाइक अद्वैता, सॉरी मोनोथीज्म इज दे ऑल्सो थिंक गॉड इज एल्सवेयर, मैसेंजर आता है गॉड इज एल्सवेयर और हम प्रे कर रहे हैं उनको। विशिष्ट अद्वैता इज प्योर कॉन्शियसनेस के ऊपर आप जाते हो कि आई एम सेम एज गॉड। उसका एग्जाम्पल होता है कि अगर आप कहीं भी आग रखो, उससे आप एक छोटा मोमबत्ती भी जलाते हो, जो आग मोमबत्ती में है और जो आग जहां से आपने जलाया है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कोई अंतर नहीं है, ये भी जलाता है ये भी जलाता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अहम ब्रह्मास्मि। आपके अंदर ही भगवान है, आप ही भगवान हो, लेकिन हम भूल गए हैं। And that is the cycle for which you are born to go back to being God. आपके अंदर परमात्मा है, आपका आत्मा जो है वो परमात्मे से जीवात्मा बन गया है। जब ये जीवात्मा परमात्मा से विलीन हो जाएगा आपके अंदर ही, आपको मोक्ष मिलेगा। That is our con, basic simple terms. तो अवतार के सिग्निफिकेंस क्या है? मत्स्य अवतार जो पिछले चतुर्युग के बाद काफी फ्लड्स वगैरह हुए थे, तो संध्या पीरियड सब खत्म हो गया था, सेलेक्टेड ह्यूमंस फ्लोरा फौना को बचा के नेक्स्ट सृष्टि को शुरू कराना था, सो दैट वाज मत्स्य अवतार। वरह अवतार, भूमि देवी पूरा फ्लड पानी के नीचे थी तो उसको निकाल के लेके आना था। पूर्मा अवतार की भाई वो पूरा चर्निंग करके जो जीवन के लिए चाहिए, जीवनी के लिए चाहिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, वो सब चीज निकाल के लेके आना था, तो वो चर्निंग ऑफ द ओशन। हयग्रीव अवतार इसलिए मैंने चौथा लिया है कि उन्होंने वेदों को बचाया, अगर वेद ही नहीं बचते तो आपका सनातन धर्म कहां जाता, सनातन धर्म हो ही नहीं सकता था। फिर नरसिंह अवतार आए थे सतयुग, राइट, दैट वॉज किलिंग ऑफ हिरण्यकश्यप टू एस्टैब्लिश द वेदिक वे ऑफ लाइफ। ये दोनों जय विजय हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो वरहा अवतार और नरसिंह अवतार, ये दोनों जय विजय हैं ऑफ वैकुंठ द्वार, जो सप्तऋषि को अंदर जाने नहीं दिया था, उनको बच्चे समझ रहे थे तो उन्होंने उसको श्राप दिया था। तो विष्णु भगवान ने बोला था कि आपको मैं 7 जन्म देता हूं मेरे भक्त बन के आप रहो, या 3 जन्म देता हूं जो मेरे कट्टर दुश्मन बन के रहोगे, हर बार मेरे बात सोचते रहोगे, और 3रे जन्म के बाद आप मेरे पास वापस आ जाओगे। तो जय विजय ने बोला था कि भाई 7 जन्म बहुत लंबा होता है, 3 ही हमारे लिए काफी है। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण एंड जयद्रथ एंड शिशुपाल, ये ठीक है। नरसिंह अवतार के बाद आपके आते हैं वामन, क्योंकि बलि चक्रवर्ती ने दोबारा से सारे लोगों पे कब्जा कर लिया था, तो जो दैत्य थे वो देवों के ऊपर हावी हो गए थे, तो वो आए थे वापस री एस्टैब्लिश करने के लिए। बलि चक्रवर्ती इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद। तो जब सर फट जाने वाला था तो प्रहलाद आके उनसे माफी मांगता है, बलि भी मान जाते हैं बलि की, हाँ ये भी है भगवान है, तो वो उनको अभी पाताल लोक भेजा हुआ है जहां पे वो राज कर रहे हैं,
अगले मनवंत्र, एक इंद्र जो होते हैं ना हमारे इंद्रदेव वरुण और ये सब, ये एक मनवंत्र के लिए होते हैं। अगर आप इंद्र बन गए, ये बन गए, इसका मतलब नहीं है कि आपको मोक्ष मिल गया। वहां से आपको और काम करना पड़ता है मोक्ष के लिए, नहीं तो आप वापस धरती पे आएंगे। अगले मनवंत्र का इंद्र बलि चक्रवर्ती हो, ये वरदान कृष्ण भगवान ने, वामन भगवान ने उनको दिया हुआ कि अगले, और उनको ये भी था कि साल में एक दफा आ सकते हैं अपने लोगों को देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, इसीलिए केरला में उस दिन को ओनम मनाते हैं। ये बलि चक्रवर्ती आने, फिर था परशुराम अवतार, ये संध्या पीरियड था सतयुग का, क्योंकि जो क्षत्रिय और राजगुरु थे वो बहुत घमंडी हो गए थे, गलत काम करने लगे थे, तो 21 जनरेशन क्षत्रिय रूलर को खत्म किया था, 21 जनरेशन। ओके, उसके बाद फिर राम जी का अवतार हुआ, ये त्रेता युग के शुरू में था, क्योंकि संध्या पीरियड सतयुग का खत्म हुआ, संध्या पीरियड त्रेता का खत्म हुआ, लोग सब अपना धर्म क्या है क्या करना है सब भूल गए थे, तो वो सिखाने के लिए आए थे सनातन धर्म को रीएस्टैब्लिश और लोगों को तो अपना धर्म स्वधर्म सिखाने आए थे। हेंस हिज नेम वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो इसलिए आए थे। और कृष्ण आए थे एंड ऑफ द संध्या पीरियड बिफोर कलयुग, कलयुग के संध्या पीरियड, कलयुग शुरू होने से पहले एक संध्या होता है, उस कलयुग के संध्या पीरियड खत्म होते के टाइम कृष्ण अवतार ने जन्म लिया था, इसलिए पूरे दस में केवल उनको युगावतार कहते हैं। युगावतार का मतलब होता है कि जब वो आएंगे, जब वो धरती से वापस वैकुंठ जाएंगे, युग बदलेगा, मतलब संध्या खत्म हो गया, युग बदलेगा। ठीक है, तो वो आपको सिखाने आए थे कि भाई कलयुग में क्या होगा, वेयर इट विल बी एंड जस्टिफाइज द मी। ठीक है, और लास्ट है कल्कि अवतार। मेरे हिसाब से कलयुग, क्योंकि इनका नाम युग अवतार नहीं है, जो कलयुग खत्म होने के बाद जो संध्या पीरियड होता है उसके खत्म होने के टाइम पे ये आएंगे, ताकि सेटिंग बना के जाएं कि जो दोबारा से सतयुग का संध्या पीरियड 400 गॉड ईयर्स का शुरू होगा, धीरे धीरे आपका सतयुग दोबारा शुरू होगा और सतयुग में शिफ्ट हो जाएगा पूरा। तो इट इज एट द एंड ऑफ द कृष्णावतार केम एट द एंड ऑफ द संध्या पीरियड बिफोर कलयुग, एंड कल्कि अवतार एज बाय माई अंडरस्टैंडिंग विल कम एट द एंड ऑफ द संध्या पीरियड आफ्टर द कलयुग। मैंने समझाया था संध्या पीरियड दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ऊपर नीचे। ओके, तो अब देख लो, ये सब तो मैंने समझा दिया है, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। 3600 बेसिकली अब काल की अवतार आ रहा है, भगवान जी का जो अब अवतार आएगा वो काल की अवतार आएगा, कल की। तो कल्कि अवतार को आने के लिए 390,874 दिन के टुवर्ड्स द एंड है। मैं बहुत बार पैदा हो चुकी होंगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है मेरा मोक्ष नहीं मिलने वाला है अभी मुझे इस जन्म में। नहीं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि कलयुग के बाद का संध्या पीरियड खत्म होने में 390,874 दिन है। इससे आप 100-150 साल पहले ले लो, दैट इज वेन, बिकॉज नॉर्मली आते हैं तो तकरीबन 120 साल, 80 से 120 साल का इनका निवास होता है अभी कलयुग में। कृष्ण भगवान तो 120 साल रह के गए थे, तो अगर 120 साल लेते हैं तो आप 874 - 120 कर दो 754, 390,524 ईयर्स बिफोर कल्कि अवतार विल कम। बट इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अंश अवतार वगैरह नहीं आएंगे, अंश अवतार तो आएंगे मार्ग दिखाने के लिए, मदद करने के लिए, अंश अवतार तो आते रहेंगे, बार बार आते हैं। जब वो अंश अवतार से काम नहीं होता है तब जाके विष्णु भगवान पूरे
16 कला बोलते हैं कि भाई पावर्स जो हमारे भगवान होते हैं उनके 16 पावर्स होते हैं, तो वो पूरे 16 पावर्स के साथ वो अवतरित होते हैं। ये है एसेंस। सो हमें अभी समय है, अभी तो यानी ये नहीं हुआ है कि 75% लोग बेकार हो गए। संसार में अभी काफी अच्छे लोग हैं। हम तो अभी अपने कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, 5000 साल ही हुआ है अभी, तो और चलना है। अभी और मतलब अभी और रायता फैलेगा। हाँ इसी में आपको एक वो दे देता हूं मैं, इसके बाद क्या दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा होगा, और तलवार ऐसा होगा जिससे लगेगा कि आग निकल रहा है उससे, और सफेद घोड़े पे हो, ये कहते हैं। ठीक है, तो इसी में से आपको मैं वो समझा देता हूं कि जब आपकी आत्मा जाती है, बिकॉज एक 14 लोक हैं जिसके परे वैकुंठ और आपका कैलाश सब है, और उसके परे है जहां पे सुप्रीम ब्राह्मण है। ठीक है, अच्छा, 14 लोक में धरती, भूलोक, और भूलोक के नीचे 6 लोक हैं, दी नेदर वर्ल्ड जो बोलते हैं, पाताल लोक, सूताल लोक, वो सारे लोक हैं नीचे, और 7 लोक ऊपर, उसी के अंदर पितृलोक भी है, उसी के अंदर कई अंश अवतार होते हैं जो आते हैं, जो अपने जो लोकों में हैं, ऊपर वाले लोक हैं, उसमें लोगों को गाइड करने के लिए कि आपको भी मोक्ष मिल सकता है। जैसे भारद्वाज ऋषि हैं, बृहस्पति हैं, शुक्राचार्य हैं, वो वहीं उन लोगों में रहते हैं सिखाने के लिए। तो आप अगर यहां से, और अगर इनको 3 आकाश में डिवाइड किया है हमारे स्क्रिप्चर्स ने, भूताकाश जो भूलोक और पाताल सारे हैं वो भूताकाश, फिर उसके ऊपर चिदाकाश, उसके आगे जब आप वहां पहुंच जाते हैं अपने इष्ट देवता के पास, दैट इज चिताकाश, सूर्यलोक, एंड देन व्हेन द सृष्टि फिनिशेस यू मर्ज विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। दीज आर डिफरेंट डायमेंशन इटसेल्फ, और आप अलग डायमेंशन में जा रहे हैं। ट्रैवलिंग फॉर योर सोल ऑल्सो टेक्स टाइम, इट डजेंट हैपन लाइक अ मिनट। इसीलिए हमारे जो शास्त्र में जो लिखा है, नीति जो लिखे हैं, क्रिमेशन के बाद आपका 11-12 दिन होता है, और 13वें दिन में आपका अच्छे से खाना होता है लोगों को, दैट इज द सेलिब्रेशन दैट यू हैव क्रॉस्ड इनटू पितृलोक। जो नदी है उसको हम वैतरणी बोलते हैं, जिसको पार करने से आप पितृलोक जाते हैं, वैतरणी। ओके, तो आप टाइम देख लो ना, देन यू विल रियलाइज। अगर चलो मैं 12 दिन लेता हूं, 12वें दिन में आप वैतरणी पार करके जाते हो, 12 दिन हो गए। अगर, और ये जो ऊपर वाले लोक हैं वहां पे वो गॉड ईयर्स हैं, बिकॉज वहीं पे वो इंद्र वगैरह हैं जो डिवाइन ईयर्स बोल रहे हैं। गुड, आपके 360 दिन, उनका 1 साल होता है, तो आपका 1 दिन उनके लिए कितना टाइम हुआ, 1/360 ईयर्स। तो आई डिवाइडेड ईयर को 12 महीने में कर दूं, 12/360, बिकॉज मींस 1/30th ऑफ अ मंथ,
माय मिस्टेक, मैं गलत जा रहा हूं। हमारा 12 दिन चलता है, 12 दिन को यू डिवाइडेड बाय 360 डेज, उनका एक दिन होता है, तो देयर्स इज 1/30 ऑफ अ डे, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 8/10 अगर मैं मतलब 0.0333 कुछ ऐसे करके आया था, 0.0333 समथिंग, आप उसको मिनट्स और उसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1/30 ऑफ अ डे, डे में 24 घंटे होते हैं, विच इज 24/30, 24 आवर्स बाय 30 आवर्स, अगर 3 से गुना करता हूं तो 8 आवर्स, 8/10 ऑफ एन आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 48 मिनट, roughly 48 minutes, yes, ये टाइम लगता है सोल को टू चित्रगुप्त जी के पास पहुंचने के, ऐसे नहीं हो जाता टक से, समय लगता है। अजय सर बहुत फनी है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देयर इज समबडी हु यूज्ड टू क्रीमेट, हु यूज्ड टू डू पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडीज, थोड़ा सा उसी से मुझे याद आ गया, सो दिस लेडी हु यूज्ड टू डू द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडीज, तो उनसे पूछा गया कि भाई कैसे कैसे होता है, मतलब कभी आंख खुलती है, कभी उठ के बैठ गए हो, अचानक से आपने किसी को डिक्लेयर किया और डेड एंड ऑल, शी सेड हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आंखें खुलती बंद होती रहती है, यू नो जब मेरे पास आते हैं तो कभी कभी मार के बंद करना पड़ता है इसको, so, आप जब बोल रहे हैं कि 8 घंटा, इट इज एक्चुअली नो, द बॉडी योर मसल्स कीप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, रिगर मॉर्टिस हो जाता है आफ्टर आई थिंक अबाउट 4-5 आवर्स, बॉडी स्टिफ हो जाता है, फिर बॉडी फ्री होता है, उसके बाद मसल्स आपके इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, that is with the muscle in the body, there is no soul left in there, wo aankh nahi khul, muscle is moving, that is what happens. wo kisse hue jab leke ja rahe the to jo soche the ki mare hue the wo uth ke baith gaye, hota hai, you never know, ho jata hai, galtiyan hoti hain, sabse hoti hain, jinhone socha ki ye guzar gaye hain, तो कल्कि जी को आने में भी बहुत टाइम है। सो मैं तो कब से प्रार्थना कर रही हूँ कि अब नया अवतार की जरूरत है, इतना फैला हुआ है रायता दुनिया में। अंश अवतार तो आएंगे, किसने रोका? अंश अवतार तो आते रहेंगे, आपको सिखाने के लिए अंश अवतार तो आते रहेंगे, बट जब कहते हैं कि कलयुग में 75% अंश अवतार है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये अंश अवतार है, पता कैसे चलेगा? From his teachings, आप जैसे मैं हर वक्त कहता हूं, जो भी अंश अवतार है या कहीं भी किसी बड़े मंदिर में आपको जाना है, कहीं कुछ है, आपका जब तक बुलावा नहीं आएगा आप जा नहीं पाएंगे, तो अंश अवतार है कि नहीं, वो बुलावा आएगा आपको तब आप जाओगे, अदरवाइज नो, दैट इज दी। आप कई दफा देखोगे, आप कोई बड़े मंदिर है, माना हुआ मंदिर है, आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जा नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ हो जाता है आपको, जाते नहीं। चार बार से बनारस जाने की कोशिश कर रही हूँ, 3 से 4 बार, whenever I visit भारत। जब शिव जी का बुलावा आएगा तो आप काशी पहुंचोगे, वो बुलावा जब आएगा, and it was so close, ek bar to hamari tickets vagaire sab book ho gayi thi, and then what happened, wo agnivir wale dange bhadak gaye the, so that's the way it is, yani wo sab to matlab ek zariya, lekin yaad hona chahiye aise jo kafi religious places hote hain wahan pe aap jaoge jab aapka bulawa hai, then everything will fall into place and you will go, kisi na kisi tarah aap pahunch jaoge,
और आपको बड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा दर्शन मिलेगा, अच्छा सुकून मिलेगा, यू विल कम बैक विद वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर लड़ झगड़ के आप पहुंच भी जाते हैं, यू विल कम बैक विद वेरी सैड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि माँ जब बिजी होती है ना तो बच्चा खेलने आता है, थोड़ा करके हटा देती है, लेकिन माँ जब काम सब करके फिर बच्चे के पास बैठती है ना, फिर पूरा मन लगा के बच्चे के साथ खेलती है। ये अंतर है बुलावे के साथ जाना और बगैर बुलावे के साथ जाना। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग सर। लेट्स होप दीज इयर्स आर लिटिल शॉर्टर। 3 लाख साल तो सर बहुत ज्यादा है, अभी उसमें और भी आप बता रहे थे, बट अंश अवतार भी आए जिसे थोड़ा सा कम हो, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है धरती पर पाप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देख लो कलयुग में 75% पापियों का राज होगा ना, अभी तो कहाँ है, आप तो पहुंचे ही नहीं। धर्म बोलते हैं अभी टांग पे खड़ा होगा। 10-20-50 साल में और देखने की इच्छा नहीं है। इतना ही देखने के बाद इतना त्राईमाम दे लेता, दुखता है कि यू नो यू फील दैट पेन एंड यू लाइक यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड यू लाइक बस और नहीं रहे। अच्छा है, जल्दी निकल जाऊंगी। जब पितृलोक में जाते हो इतने जल्दी वापस नहीं आते हो, कुछ हैं जो आ जाते हैं, आते नहीं हैं। कभी आपने श्राद्ध में कभी देखा है कितने पीछे तक आपके दादा परदादाओं के नाम लेते हैं? 3। मतलब जब चौथा कतार में होता है तभी जो सबसे सीनियर है उनके या तो मोक्ष का या वापस धरती आने का टाइम होता है। इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, इतने जल्दी कोई आता नहीं वापस। पर आपने सर ये बोला कि इतनी जल्दी कोई वापस नहीं आता है, पर आपको नहीं लगता है कि मतलब बहुत ही थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है एंड दैट नहीं, कुछ तो जरूर आते हैं, सब इतने जल्दी नहीं आते, बहुत टाइम के बाद आते हैं। But the human population is increasing since ever. तो ये बाकी के लोग कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा? अगर मैं पिछले जमाने से अभी पहले नहीं आए थे जो पिछले किस युग से हैं जो आ रहे हैं? देखो कर्म कर्म जो है मोटे तौर पे 2 किस्म का होता है, एक संक्षिप्त कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। संक्षिप्त कर्म है जो आपको इसी जन्म में उसका फल मिलेगा। प्रारब्ध कर्म है जो आपको पता नहीं किस जन्म किस साइकिल में आपको मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि आप तो बार बार आ रहे आने वाले हो, किस साइकिल में किस युग में किस चतुर्युग में आप दोबारा आओगे हमें पता नहीं। इसीलिए कहते हैं अगर कुछ मांग रहे हो तो सोच समझ के मांगा करो। कुछ सोच भी रहे हो कि मैंने ऐसा करना है, मेरे साथ ऐसा होना है, तो सोच समझ के सोचा करो, करा करो। इसका फल क्या होता है, ये नहीं है कि आपको पैसे मिल गए, 50 मकान मिल गए, ये मिल गया, ना। यू विल फेस अ सिचुएशन इन लाइफ, जैसे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता है ना, कोई राइट रॉन्ग नहीं होता, यू हैव टू चूज। द चॉइस यू टेक व्हेन यू फेस द सिचुएशन डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन फर्दर यू विल फेस इन in this life or in later life. That is what is the concept of prarabdha and sankshipt karma. और ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, कोई क्लियर नहीं है जैसे कि आप पास हो गए तो आप 4th class में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल फेस अ सिचुएशन इन लाइफ एंड यू हैव टू टेक अ कॉल कि मैंने करना क्या है, दैट विल डिसाइड योर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन and that will decide whether you will grow up spiritually or you will not grow up spiritually. That choice you have to make. That is why you are a rational animal thinking. इसलिए सोच आपको दी है, जानवरों को नहीं दी है, पक्षियों को नहीं दी है, सांप को नहीं दी है, मछली को नहीं दी, किसी को नहीं दी, केवल इंसान को है। और जिस वृत्ति के साथ आप काम करोगे आपकी योनि भी बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप इंसान बन गए तो आपकी योनि नहीं बदलेगी। किस प्रवृत्ति से आप काम कर रहे हो, आप सांप बनोगे, मेंढक बनोगे, कुत्ता बनोगे, चिड़िया बनोगे, हाथी बनोगे, शेर बनोगे, कुछ भी बन सकते हो या इंसान रह सकते हो।
आपके कार्य करते वक्त आपके प्रवृत्ति और सोच के ऊपर है कि आप आगे क्या करोगे, कैसे आपका निर्वाह हो। तो इसीलिए कहते हैं ना, आपका फेट आपके हाथ में है। ये है जो कहते हैं आपका फेट आपके हाथ में, आपके ऊपर है आपने कैसे करना है। सिखलाई के, सनातन धर्म के सिखलाई के साथ चल के आप काम करोगे तो अच्छे रहोगे, बाकी आपके ऊपर है। जो बेहतर ये बोल रहे हुरे मिलेंगी, वो क्या पता नीचे, नहीं नहीं बेहतर हुरे मिलेंगी वो नीचे वुल्फ के पैक में होंगे जिसमें बेहतर हुरे होंगे। तो सोच की प्रवृत्ति है ये, ऐसे वो है, दैट इज व्हाट इज अबाउट। सो दैट इज व्हाई यू रियलाइज आप का लोक पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। जो नीचे के सात लोक हैं, भूलोक सबसे ऊपर और बाकी नेदर वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं सूताल पाताल, वो सारे रिक्ताल, वो सारे नीचे आपके नीचे हैं। ये नीचे के साथ है, ऊपर के साथ है जहां पे पितृलोक और बाकी लोक होते हैं। उसको मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है उसको इस लोक को चंद्रलोक बोलते हैं, जहां पे सात लोक है। और जब 1000 साल खत्म हो जाता है, 100 साल ब्रह्मा जी के खत्म हो जाते हैं, तब कम्स द रुद्र अवतार और शिव, और तीन लोक जो खत्म होते हैं, ये नीचे का लोक, ऊपर का लोक, और जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं वो भी खत्म हो जाता है। यू मर्ज बैक विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वहां से कैसे निकले, हमारे शास्त्र में लिखा है एक जो बड़ा अंडा, गोल्डन एग जिसको बोलते हैं, हिरण्यगर्भ, वहां से निकल के आते हैं ये तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी शक्तियां जो हैं सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती। सोचो अगर ब्रह्मा जी को हम कहते हैं सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनको तो बहुत दिमाग चाहिए ना। तो आप किस शक्ति को प्रे करते हो, आपको अच्छे दिमाग होने चाहिए, पढ़ लिख के अच्छे बन जाने चाहिए, सरस्वती, वो ब्रह्मा जी के साथ। विष्णु है जो प्रिजर्व करता है, इसकी जरूरत पड़ती है आपको, ये जरूरत पड़ती है तो लक्ष्मी, ओके। और शिव जी है जो रुद्र अवतार में आके खत्म करते हैं, तो उसमें कौन चाहिए आपको, दुर्गा पार्वती। तो इनको अलग अलग मत देखो, ये एक है। इसलिए कई दफा शिव जी और अपने पार्वती जी का अर्धनारीश्वर फोटो, समझाने के लिए कि ये एक है, शक्ति है। बट वहां से वो डुअलिटी शुरू होता है, जो ये पूरा आपके सृष्टि है इट्स ड्यूअल इन नेचर, वहां से शुरू होता। तो इंद्र भगवान के जब आप कहानियां पढ़ते हो तो चौकी अगर नहीं, वो भी आदमी है, ही वुड हैव बीन द बेस्ट अमंगस्ट ऑल द मेन ऑफ हिज टाइम एंड ही गॉट द ब्लेसिंग्स दैट ही विल बिकम द इंद्र। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मोक्ष मिल रहा है, ना जी, उसके अंदर वही प्रवृत्तियां होंगी जो एक इंसान की है, और वही मिलता है आपको इंद्र भगवान के कहानियों में, जेलसी, एंगर, फाइटिंग, ईगो। गोवर्धन पर्वत का क्या है, जो कृष्ण भगवान इंद्र भगवान का ईगो तोड़ते हैं ना, वो सब है, क्योंकि वो अभी मोक्ष नहीं मिला है उनको। दे वॉन्टेड दैट, कार्य किया था, अच्छा कार्य किया था, बट वॉन्टेड द बेनिफिट ऑफ दैट अच्छा कार्य, एंड हेंस दे हैव बिकम दोज डेमीगॉड्स, जो अंग्रेज बोलते हैं डेमीगॉड्स, तो वो देवी देवता बने हैं, मोक्ष नहीं मिला। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आई विल सेव द नेक्स्ट द रेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काल के अवतार अभी है, आएंगे, थोड़ा दूर है, बीच बीच में शायद हमारे साथ अंश अवतार जुड़ेंगे, जो थोड़ा सा शायद चीजों को बोलते ना सांस लेने देंगे, जिस तरीके से अभी फैल रही है चीजें, अराजकता फैल रही है,
टॉक्सिसिटी फैल रही है, बहुत लोगों में जेलसी, हेट्रेड, इस तरीके की जो भावनाएं, हीन भावनाएं। ये तो दिखा दिया था ना, महाभारत की कहानी पढ़ोगे तो यही चीज थी वहां पे, यही चीज आपको दिखा रहे। इसीलिए तो कृष्ण भगवान को युगावतार बोलते कि वो बता रहे थे, आपको दिखा रहे थे टॉक्सिसिटी। दैट टॉक्सिसिटी वाज देयर शोन, इट वाज विद इन द फैमिली, नाउ इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। एक चीज मुझे कही थी सर, एक्सप्लेन मी ऑन दैट। जब राम जी का अवतार हुआ था तब कंट्रीज या कम्युनिटीज का था एक तरीके से, इधर अयोध्या इधर श्रीलंका में जो हुआ। महाभारत में विद इन द फैमिली हुआ, मतलब ये अंदर आ रहा है। और मैं ऐसी बात करी थी, एक गुरु जी है, एक दो बार हमारे शो पे भी जुड़े हुए हैं, तो मैं बात करी थी, तो ही सेड कि अब जो डुअलिटी है दैट इज कमिंग विद इन द पर्सन, ये जो अब हाँ बिल्कुल आ रहा है आपके अंदर, नेगेटिव का पॉजिटिव आएगा, आपको माया आपको धर लेगी, माया आपके ऊपर हावी हो जाएगी। माया आपके ऊपर हावी है, कभी आप नाराज हो जाते हो, कभी ये हो जाते हो, उसी टाइप ऑफ सिचुएशन इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट यू विल रिएक्ट डिफरेंटली। तो वही है, जब पहले होता था बाहर था, वो पहले बाहर था, फिर घर में आया और अब इंसान में आ गया। बिल्कुल, खानदान के अंदर ही था, अब इंसान के अंदर ही है। अब इंसान के अंदर है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, सो आई विल सेव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी बातें पसंद आती है, हमारे एनालिसिस पसंद आती है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, द नंबर इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन कंट्रीब्यूट थ्रू पेपैल, पेटीएम, फोन पे एंड द अदर थिंग्स इन भारत। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, जय भारत।